अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया गया है और इस मामले पर दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद 12 सदस्यीय ज्यूरी ने उन्हें सभी 34 आरोपों में दोषी ठहराया है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया गया। ट्रंप पर 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले पैसों का भुगतान करने की बात छिपाने और अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर करने के 34 आरोप थे। उन्हें इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया। तो उधर ट्रंप ने दस्तावेजों में हेरफेर के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल के साथ यौन संबंध से भी इनकार किया है। जस्टिस जुआन मर्चेन 11 जुलाई को उनकी सजा पर फैसला सुनाएंगे। ट्रंप के खिलाफ फैसला ऐसे समय में सुनाया जाएगा जब 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें औपचारिक रूप से पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो 11 जुलाई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ यौन संबंध के आरोप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 34 आरोपों में दोषी ठहराए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब समझाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ यौन संबंध के आरोप हैं डोनाल्ड ट्रंप पर और डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में यौन संबंध बनाए थे। ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में चर्चा में रहा। स्टॉर्मी ने संबंध को सार्वजनिक करने की धमकी तक यहां पर दे डाली। ट्रंप ने गुपचुप तरीके से स्टॉर्मी को पेमेंट देने को छिपाने के आरोप में दोषी उन्हें पाया गया। पेमेंट देने के लिए व्यवसायिक रिकॉर्ड में हेरा फेरी का भी आरोप है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं 34 आरोपों में दोषी ठहराए गए डोनाल्ड ट्रंप। जस्टिस जुआन मर्चेन अब इन पर फैसला सुनाएंगे। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा पर फैसला होगा। आपको बताने की मामले में आगे क्या कुछ होना है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी और पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा होनी है। ट्रंप के नाम का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत जो आप देख पा रहे हैं, 34 आरोपों में दोषी ठहराए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बाद अब ट्रंप की मुश्किलें इसलिए बढ़ती हुई कि आने वाले समय में 15 जुलाई से रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जो शुरू होगा वहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी।